हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को। चलिए थैंक यू। फाइनली हमने जो प्रॉमिस किया आज हम वहां पे फिर से स्टैंड कर रहे हैं। हमने बोला था कि 16th जून से हमारी नाइपर की क्लास लाइव होने वाली है। नाइपर के सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ वैसा ही धमाकेदार लेके आएंगे जैसा कि हमने जीपैट 2021 की प्रिपरेशन के लिए किया था। तो अब बात आई कि अगर जीपैट 2021 में हमने क्या ऐसा किया था, हमने वहां पे एक 500 एमसीक्यू सीरीज चलाई थी जहां पे हमने, आप लोग खुद उसके गवाह हैं, आपने खुद, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो क्लास की होगी और उसका बेनिफिट आपको जरूर मिला होगा। तो अब यहां पे पवन कोई चांस नहीं है पोस्टपोन्ड होने का। कुछ स्टूडेंट्स ने मेल भी किया था, वहां पे नाइपर अथॉरिटीज ने डायरेक्ट वहां पे मेल करके रिस्पॉन्स कर दिया, नो देयर इज नो चांस फॉर द पोस्टपोन्ड ऑफ नाइपर 2021। इट विल बी हैपन ऑन द, कब होगा ये हमारा, 3rd जुलाई को। हां जी 3rd जुलाई को ही होगा, इट वुड बी ऑन द 3rd जुलाई। चलिए थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट अवेटेड सीरीज है। लेकिन हां, जीपैट में हमने 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन यहां पे हमने खुद अपने आप से प्रॉमिस किया कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा थोड़ा सा और अपने आप से चैलेंज हो, क्या हम कर सकते हैं। हां जी, हम यहां पे लेके आने वाले हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज। जी हां, 1000 एमसीक्यू सीरीज हमारे होने वाली है और डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये हमारी मैराथन क्लास है। जी हां, शुरुआत में हम 50 क्वेश्चन की सीरीज चलेंगे, लेकिन 22nd डेट के ऑनवर्ड से हम 100 एमसीक्यू सीरीज पर डे सॉल्व करेंगे। हमारी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करेगी। तो ये डेडिकेशन, ये आपका मोटिवेशन और ये एनर्जी लेवल बरकरार रखनी है। जी हां, जैसे आप लोग मेरे बारे में कहते हो ना, मेरी एनर्जी अमेजिंग है, मैं आपसे वही उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग अपनी एनर्जी को बचा के रखिए और फुल यूटिलाइज करिए और यहां पे ये क्लास कंडक्ट होंगी और इनको आप सभी लोग पर डे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग मेरे साथ यहां पे सभी लोग जुड़ेंगे। अदरवाइज अगर स्टूडेंट्स नहीं तो प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगी। चलिए सौम्य जी थैंक यू। चलिए, बहुत दिन से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, सर नाइपर सीरीज लाओ, नाइपर सीरीज लाओ, नाइपर सीरीज लाओ। लीजिए, चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा। चलिए बिल्कुल, असीम सेठी खुश रहें, मस्त रहें और जहां भी रहें नाम रोशन करते रहें। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करें आज की सीरीज का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, डेफिनेटली इन क्वेश्चन के बाद आपको मजा जरूर आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा। तो जैसा कि हमने जीपैट में मजे लेके पढ़ाई किया था ना, मजे से पढ़ा था, वही इसमें भी करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया आर जनरली कंडीशंस एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। हमारा नाइट ब्लाइंडनेस की बात आए भैया, आई से रिलेटेड बात आए, तुरंत विटामिन ए पे चल दो, कुछ मत सोचो, केवल और केवल। चलिए आकाश थैंक यू। जी हां, आई की बात आए, कुछ मत करो, विटामिन ए पकड़ लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया दोनों हमारी क्या होती हैं, दीज आर रिलेटेड विद द आई, क्योंकि ये हमारी क्या करती हैं, आई ए विटामिन ए यानी रेटिनॉल की बात करते हैं, तो हां जी ये हमारे वहां पे हेल्प करते हैं। ज्यादा मत सोचिएगा, आ जाइएगा। अगर बात करते हैं जीरोथैल्मिया क्या होता है, ऑकुलर मैनिफेस्टेशन ड्यू टू द विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यहाँ पे हमारी जो लाइट रेटिना होती है वो लाइट सेंसिटिव हो जाती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए,
टाइप थर्ड ग्लाइकोजन डिजीज इज नोन एज द, बात समझिएगा, आप लोगों ने आज तक ये डिजीज के नाम जरूर सुने होंगे, कोरी डिजीज, ग्रीक डिजीज, पॉम्प्स डिजीज, एंडरसन डिजीज। क्वेश्चन बदल दिया गया, क्वेश्चन बदल दिया गया, आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे यहाँ पे टाइप ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो गया, टाइप थ्री स्टोरेज ग्लाइकोजन डिजीज हो गया, आंसर दीजिए। चलिए थोड़ा सा आपका लॉजिक टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको फालतू के नहीं मिलेंगे, आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा तो आपको इफेक्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों दिखाना होगा, तभी मजा आएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि टाइप थ्री कौन सी होती है। बात करते हैं हमारी जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिफिशियंसी डिजीज होती है, पांच टाइप की होती है। कितनी होती है? पांच टाइप की होती है। वो पांच टाइप की कौन कौन सी है, बात समझिएगा। एक ट्रिक आती है, एक ट्रिक क्या आती है, वो पॉम्प, पॉम्प समझते हो ना, पॉप होते हैं, पॉम्प, पोप्स बोलते हो ना, पोप, पोप होते हैं ना, पोप कहां होते हैं, ग्रीक में होते हैं, कहां होते हैं, ग्रीक में होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो बहुत ही कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेके। मेरी बात थोड़ी समझिएगा, कहानी के क्या है। तो क्या हुआ, वो पोप, पोप होता है ना, पोप बोलेंगे, वो पोप, वो पोप कोरी, वो पोप कोरी एंडरसन है, वो पोप क्या है, कोरी है और बहुत मारता है, वो पोप कोरी है और बहुत मारता है, बात समझिएगा, इसी में सब कुछ छिपा है। हमने बोला क्या, हमने बोला क्या, हमने यहां पे बोला वो पोप कोरी है और बहुत मारता है, वो पॉप से हमने निकाला पॉम्प, वो पॉम्प कोरी है और क्या करता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। तो अब इससे हमको याद रखना है, इससे हमको याद रखना है, क्या याद रखना है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर एंड टाइप फाइव, ये पांच टाइप की हमारी स्टोरेज डिफिशियंसी डिजीज होती है ग्लाइकोजन की। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया टाइप थ्री, तो हमने बोला टाइप थ्री यानी कोरी, टाइप थ्री हमारा क्या है, कोरी डिजीज। हां जी, अगर गियर डिजीज की बात करते हैं, गियर डिजीज एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो गियर डिजीज, हम वॉन गियर की डिजीज इसी का, ये हमारी क्या कहलाती है, वॉन गियर की डिजीज, ये क्या कहलाती है, वॉन गियर की डिजीज, यानी हमारी क्या होगी, टाइप वन होगी। सर नाइपर स्टूडेंट भी रॉन्ग आंसर देते हैं, हाँ बेटा नाइपर स्टूडेंट भी रॉन्ग आंसर देते हैं, इसमें तो कोई गलत फहमी है ही नहीं है। हमने बोला क्या, कोरी डिजीज, कोरी डिजीज क्या है, टाइप थ्री, हमने टाइप थ्री देखे, टाइप वन टू थ्री फोर फाइव हमने सब यहां पे रख दिया, तो हमने क्या बोला, वो पॉप जो है वो कोरी है और बहुत मारता है। चलिए वॉन अर गियर डिजीज, हां जी नाइपर क्वेश्चन जीपैट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा, फार्मा सेक्शन तो पूरा ही आता है। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट, किससे बन रहा है, फैट से ग्लूकोज बन रहा है, और हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट नोन एज द ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। ग्लाइकोलिसिस यहां पे हमारा यूटिलाइजेशन होता है, क्रेब साइकिल में यहां पे हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ द पाइरुवेट होता है, सेपोनिफिकेशन में सेपोनिफाई होता है, बात आई ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या आया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हां जी हमको आंसर मिल गया, क्या मिला, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर यहां फैट रख दिया जाए, यहां प्रोटीन रख दिया जाए, यहां न्यूक्लिक एसिड रख दिया जाए, यहां पे अमीनो एसिड रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, इनसे अगर आपका ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड होगा तो आंसर ग्लूकोनियोजेनेसिस ही आएगा, अदर देन ग्लूकोज, हां जी अदर देन ग्लूकोज, और कहां होगा, लीवर में होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां पे होगा, लीवर में होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस विच ग्लूकोज इज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमारा ये बनेगा, तो आंसर हमको मिल गया, बिल्कुल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से रिएक्शन स्टार्ट होती है, एकदम आपने सही बोला। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सिस्टीन, सिस्टीन का हाइएस्ट कंसेंट्रेशन। देखिए क्वेश्चन अगर अच्छे लगे ना, क्वेश्चन अच्छे लगे और अगर आपको लगे कि हाँ जेडीसी आपको हेल्प कर रही है आपके प्रिपरेशन में, तो आपके बगल में एक लाइक वाला बटन होगा, वो थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना के रखेगा कि हाँ मैं अपने बच्चों को अच्छे से दे पा रहा हूं। चलिए हां जी सिस्टीन की बात करते हैं, सिस्टीन में हमने बात किया
कि सिस्टीन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलानिन किरेटिन मायोसिन एंड कोलेजन किसमें सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बात करोगे किसके बारे में, अगर आप बात करोगे सिस्टीन के बारे में, भैया ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है जब हमने बात किया है कार्बोहाइड्रेट वाले वीडियो में, वहां पे हमने बात किया था सिस्टीन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ग्लाइकोजन में नहीं होता है, सिस्टीन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किरेटिन प्रोटीन में होता है। किसमें होता है? किरेटिन प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन में सिस्टीन सबसे ज्यादा होता है। सर ये चलिए तो आंसर आपको मिला कि नहीं? हां जी आंसर किरेटिन प्रोटीन। देखिए हमने क्या बात किया, बहुत बेसिक चीज समझिएगा, सिस्टीन हाईएस्ट कंसंट्रेशन किरेटिन में मिलता है और ये हमारा क्या होता है स्किन नेल्स हेयर ये सब हमारे किरेटिन प्रोटीन से बने होते हैं, इसमें डाइसल्फाइड अमीनो एसिड हमारे सिस्टीन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। द हार्मोन दैट लोअर, बहुत ध्यान से समझिएगा, वो हार्मोन जो लोअर करता है सीएमपी के प्रोडक्शन को लीवर सेल में, लीवर सेल में। ग्रेट वर्क डन बाय जेडीसी, आई एम ओल्ड स्टूडेंट ऑफ जेडीसी, नाउ आई एम इन नाइपर। अक्षय थैंक यू बिल्कुल। आप लोग क्या हो ना बेटा, आप लोग मेरे लिए एसेट हो जिनको मैंने कमाया है। हां जी मैं यही बोलूंगा, मनी इज अदर थिंग, मनी आज है कल खत्म हुआ, लेकिन ये जो एसेट मैंने कमाया है आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा के, जो स्टूडेंट्स आज मेरे जब मुझे फोन करते हैं सर मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मुझे इतने का पैकेज मिला, सर आपने पढ़ाया मेरा क्वालिफाई हो गया, सर आपकी वजह से ये हो गया, लिटरली दिल उस समय ना मोदी जी तो 56 इंच बोलते हैं, बेटा मैं सीधे बोलता हूं मेरा सीना 112 इंच का हो जाता है जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो और आप लोग ये मुझे बोलते हो। चलिए तो हमारा ग्लूकेगॉन इंसुलिन इपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन, चलिए जल्दी से समझिएगा सिस्टीन क्या है। बेटा जो आपकी अमीनो एसिड होती है ना, अलग अलग टाइप की अमीनो एसिड होती है, उन्हीं में से हमारी एक सिस्टीन अमीनो एसिड आती है, उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था। चलिए तो अब यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा हमारा जो ये इंसुलिन होता है, मेरी बात समझिएगा, जो इंसुलिन होता है इस इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, जो हमारा सीएमपी का प्रोडक्शन होता है ना, सीएमपी को क्या करता है डिक्रीज करता है और इसको क्या करता है बैलेंस करता है, इसी को हमारा क्या करता है बैलेंस करता है। नहीं इपिनेफ्रिन, सरिता थोड़ा सा याद करिएगा, इपिनेफ्रिन बेटा सीएमपी बढ़ाएगा, इपिनेफ्रिन यानी हमारा एड्रेनलिन की बात हो रही है, सीएमपी बढ़ाएगा। थायरोक्सिन की बात करेंगे तो थायरोक्सिन भैया हमारा हार्मोन किससे किससे काम करेगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर से काम करेगा। ग्लूकेगॉन की बात करेंगे, चलिए देखिए ये इनडायरेक्टली काम करेगा, हाँ जी ये क्या करेगा इनडायरेक्टली काम करेगा और डायरेक्टली नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ऐसे तो इंसुलिन जो है, आप बोलोगे सर ऐसे तो इंसुलिन इंसुलिन सर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से काम करता है, मैं बोलूंगा हाँ बेटा बिल्कुल ये टायरोसिन काइनेज से काम करता है, लेकिन टायरोसिन काइनेज से काम करता है लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या करता है सीएमपी के प्रोडक्शन को अपोज करता है। बातें ध्यान से समझिएगा तब आंसर आपको मिलेगा। ग्लूकेगॉन इंक्रीज करता है, चंदन मेरी बात समझिएगा, ग्लूकेगॉन को बात करते हैं, ग्लूकेगॉन क्या करता है हमारा इंक्रीज करता है, एकदम आपने सही बोला, आपसे क्वेश्चन क्या था लोअर करने की बात थी, किसकी बात थी लोअर करने की बात थी। हां जी आंसर इंसुलिन, देखिए हमने क्या बोला इंसुलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन टू रिस्टोर द लेवल ऑफ द सीएमपी, एक्शन ऑफ सीएमपी एंजाइम फॉस्फोराइलेशन होता है और उसी को ये क्या करती है इनहिबिट कर देती है। वेलकम फार्मेसी ट्यूटोरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है मुझे नहीं बताना, ये मेरे बच्चे बताएंगे, ये तो जीपैट क्वालिफाइड वाले हैं यार, मैं नाइपर पढ़ा रहा हूं मैं भूल जाता हूं। चलिए जल्दी से बताइएगा इंसुलिन एस्पिरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, एस्पिरिन क्या है नसेट्स है तो वो कॉक्स को इनहिबिट करेगी, लेकिन क्या करेगी कैसे करेगी जल्दी से कंफर्म करिएगा। आंसर आए एस्पिरिन के लिए, आंसर आए जल्दी से अमीशा 50, आज 50 क्वेश्चन का टारगेट है, जल्दी करिएगा। कोई डाउट है क्या इनिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज, हां जी
इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ फिब्रिनोजन नहीं, इनहिबिट साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोलाइपेज नहीं, आंसर आपको क्या मिल गया, साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करता है। अगर हम बात करते हैं कॉक्स वन या कॉक्स टू, ये इररिवर्सिबली एस्पिरिन इनहिबिट करता है। एस्पिरिन क्या करता है, इररिवर्सिबल इनहिबिट करता है, ये हमारा क्या होता है एस्पिरिन का काम होता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द डोपामिन, डोपामिन के बारे में आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, डोपामिन के बारे में यहां पे कौन सा पॉइंट सही है, जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए डोपामिन क्या करता है, डोपामिन क्या करता है, चलिए वेरी गुड आ जाइए, रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ाएगा, इंटरैक्टिंग विद द अल्फा एंड बीटा वन एड्रेनोरिसेप्टर, प्रिकर्सर ऑफ द बोथ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। हां जी ये तो बात ठीक है, बात समझिएगा, ये नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कराता है, बात एकदम ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है फैसिलिटेट कराता है, ठीक है, ये हमारा अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर से काम डायरेक्टली कर सकता है, हां जी डायरेक्टली एक्टिंग में आता है, और ये इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की प्रिकर्सर सिंथेसिस में हेल्प करता है। अरे भाई तीनों ठीक है, तीनों ठीक है, आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आ गया, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा आंसर आया कि नहीं आया मेरे बच्चों। एक्सक्यूज मी, जी हां ऑल ऑफ द अबव, देखिए डिफरेंट एक्शन होते हैं। अगर हम बात करें एडिनोमाइमेटिक होता है, यानी एडिनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड कर सकता है, अल्फा बीटा एड्रेनोरिसेप्टर से बाइंड करता है, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन को रिलीज कराता है और साथ में क्या करता है उसके लिए प्रिकर्सर का काम करता है, इसीलिए हमारा क्या होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इनडायरेक्ट लिवोडोपा ड्रग यूज करते हैं, नहीं लिवोडोपा ड्रग अलग है बेटा, उसको यहां मत लाओ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसएनआरआई, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इमरान अहमद जी हां बिल्कुल आप पेमेंट कर सकते हैं, आप उसमें इंस्टॉलमेंट के साथ प्राइम में एनरोल्ड हो सकते हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ऑफ ब्रेन, ब्लॉकिंग द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन इन ब्रेन बाय ब्लॉकिंग रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पे डिक्रीज है यहां पे इंक्रीज है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन इन ब्रेन बाय द ब्लॉकिंग रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्रीज, अच्छा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ब्लॉकिंग है, अमाउंट, अच्छा अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन, अच्छा नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए सर मैं फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अंशुमन बिल्कुल आपके ये क्वेश्चन भी फार्मा से रिलेटेड वही सब है। चलिए आंसर क्या मिला मेरे बच्चों, थोड़ा सा गलतियां हो रही है, बहुत ज्यादा गलती है इस क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के, थोड़ा सा फिर से ध्यान देखिएगा। SNRI की बात करते हैं, हमने SNRI बोला यानी सेरोटोनिन, ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन, नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, इनहिबिटर नाम से क्लियर करिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के, तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन के द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एपिनेफ्रिन इन ब्रेन बाय ब्लॉकिंग, अमाउंट रिलीज करने से नहीं इनहिबिट करता है, क्या करता है, ये हमारा आंसर आप लोगों ने बोला ठीक है, ए बोला ठीक है, मानसी ए बोला, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात क्या कर रहा है, क्या ये रिली, अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चों, एक चीज का आंसर समझो, ये है आपका मान लीजिए एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, थोड़ी मेरी बात समझिएगा, ये है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन, यहां से हमारा नॉरएपिनेफ्रिन मान लीजिए रिलीज हुआ, रिलीज होके नॉरएपिनेफ्रिन यहां पे आ गया, अब यहां से ये क्या हो रहा था, इसका रीअपटेक हो रहा था, क्या हो रहा था रीअपटेक हो रहा था, आपकी एसएनआरआई ने इसको इनहिबिट कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया, आप बताइएगा मुझे अमाउंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ध्यान से समझिएगा अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, भैया यहां पे तो अमाउंट इंक्रीज है ना, क्योंकि रीअपटेक नहीं होगा तो यहां पे अमाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा, अगर मेरी बात समझ में आए तो मुझे बताइएगा जरूर, तो यहां पे अमाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन ब्रेन बाय ब्लॉकिंग रीअब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। हां जी अब आया लाइन पे, अब आया लाइन पे, गलती यही थी, सभी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं, आप लोग डिक्रीज कहां से करा रहे थे, आप लोग रिलीज से करा रहे हो, वाह जी वाह, गलती मिली कि नहीं, गलती आपको पता चलनी चाहिए, क्योंकि गलती
नहीं समझे सर तुषार, अब क्या नहीं समझे? हमने बोला कि जब रीअपटेक नहीं होगा तो उसका रीअपटेक नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन यहां पे इंक्रीज होगा। ऐसे ही अगर आप सेरोटोनिन की बात कर लो तो 5-HT रिलीज तो हुआ लेकिन रीअपटेक नहीं हुआ तो यहां पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। हो गया भैया बात, हो गई हमारी यहां पे बात, समझ में आई बात? चलिए क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन रीअपटेक को इनहिबिट करती है, SNRI की बात हो रही है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम, प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस कहां से होती है? जल्दी बात करिएगा, बात करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, टाइम मत लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। नाइपर की तैयारी कर रहे हो बेटा, जीपैट की नहीं है। अगर आप बात करते हो किसके बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, चाहे आपका एस्ट्रोजन आ जाए, चाहे आपका एस्ट्रोजन आ जाए, चाहे प्रोजेस्टेरॉन आ जाए, चाहे आपका टेस्टोस्टेरॉन आ जाए, इन सब का सिंथेसिस कहां से होती है, इन सब की सिंथेसिस कहां से होती है? उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेक्शन। हां जी, सबकी सिंथेसिस कहां से होती है बेटा? कोलेस्ट्रॉल से होती है, फैट और लिपिड से कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होता है। आंसर क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से मिल गया हमको, बिल्कुल मिल गया। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड होते हैं विद सल्फोनामाइड इज ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल, ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल। भाई कई बार, कितनी बार मैंने इस चीज को पढ़ा चुका हूं कि ये ड्रग हमारी प्रोड्रग होती है, दो पार्ट में मेटाबोलाइज एक्टिव फॉर्म बनाती है, एक एब्जॉर्ब होती है एक एब्जॉर्ब नहीं होती है, ये आंसर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से पॉइंट क्लियर करिएगा, क्या मिला आंसर, क्या होती है, क्या होती है? हां जी, क्या होती है, सल्फासैलाजिन। सल्फासैलाजिन हमारे दो पार्ट में बात करें तो सल्फापाइरिडिन, क्या होती है, सल्फापाइरिडिन, एंड दूसरी हमारी क्या होती है, 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये दो चीज हमारी बनती है और यही दोनों चीजें बनने के बाद हमारा क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। चलिए बहुत जल्दी चलेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्पिनोइड इज प्रेजेंट इन सिट्रोनेला ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल। चलिए जल्दी से क्लियर करिएगा, सिट्रोनेला, सिट्रोनेला ऑयल हमारा किस में मिलता है? सिट्रोनेला ऑयल आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, यूज किया होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, हां जी, स्क्रैच टेस्ट किया जाता है के लिए। चलिए वेरी गुड चंदन, ओके, हाँ ठीक है, उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। आदित्य, अमरावती, चाहे औरंगाबाद, चाहे आपका नांदेड़, चाहे आपका महाराष्ट्र कुछ भी हो, चाहे मेरे लिए केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट हो, यहां पे मेरे जितने स्टूडेंट हैं ना वो केवल एक ही हैं, जीडीशियन। केवल क्या है, जीडिशियंस हैं, कोई स्टेट, कोई आपकी कंट्री कुछ भी अभी नहीं है, अभी सिर्फ आप जीडिशियंस हो। चलिए आंसर आपका क्या मिला, हां जी सिट्रोनेला ऑयल की बात करेंगे तो सिट्रोनेला ऑयल मिली, अगर हम बात करते हैं तो जी हाँ, सिट्रोनेला ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रोनेला ऑयल अगर हम बात करते हैं सिम्बोपोगन फ्लेक्सस की बात करते हैं तो हमारा जिरेनियोल ऑयल, हां जी क्या होता है, जिरेनियोल ऑयल यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। आंसर हमारा क्या हो गया, जिरेनियोल। चलिए नेक्स्ट हमें सिट्रोनेला की बात करें, सिट्रोनेलॉल इसमें प्रेजेंट होता है, जिरेनियोल प्रेजेंट होता है, जिरेनिल एसिटेट, सिट्रोनेलॉल एंड लिमोनिन प्रेजेंट होता है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेमन ग्रास ऑयल, हां जी चलिए तुषार, थैंक यू। ड्रग विच इज नॉट अंडर द सीड क्लास, इसमें से किस ड्रग का सीड नहीं यूज किया जाता है, सीड नहीं यूज किया जाता है, नक्स वोमिका, हां जी सीड यूज होता है, डिजिटलिस की बात करें तो डिजिटलिस तो लीफ यूज होता है ना, मैं मुझे तो यही याद आ रहा है यार, आप लोग अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, डिजिटलिस तो लीफ ही होता है। अजय सर बिग फैन, मैंने जीपैट क्लियर किया आपकी वजह से, ऐसे गाइड करना अमरावती तेजस, अजय थैंक यू, थैंक यू। चलिए बिल्कुल बेटा, जब तक मैं फिजिकली ठीक हूं और मैं आपके सामने आ सकता हूं तो मैं हमेशा प्रेजेंट रहूंगा आपको, हमेशा हर मोमेंट पे आपके हेल्प के लिए। तो हम बात करते हैं डिजिटलिस में लीफ होता है, ये भी हमारा सीड होता है, इस सब बोल तो सीड हस की यूज होता ही है, तो आंसर क्या हुआ, डिजिटलिस का लीफ यूज होता है। तो आपसे पूछा गया था ड्रग विच इज नॉट पूछा गया था, तो डिजिटलिस आंसर हो गया, जो आंसर आपको मिल गया, क्लियर।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटलिस की लीफ यूज होती है। देखिए हमने बोला लीव्स में हमारा वसाका, सेना, हायोसाइमस, डिजिटलिस, धतुरा यूज होता है। सीड में नक्स वोमिका, मस्टर्ड लिनसीड और मस्टर्ड लिनसीड, इसबगोल, कैस्टर, ये सब सीड वाले में आते हैं। आप इसको पढ़ते रहिएगा, अभी बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ड्रग विच इज नॉट बिलोंगिंग टू द ग्लाइकोसाइड क्लास। कौन सी ड्रग ग्लाइकोसाइड नहीं है? डिजिटलिस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेना, माफ कीजिएगा सेना की बात करेंगे तो ये हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड आ गया। लिक्वेरिस की बात करेंगे तो कैस्केरा, कैस्केरा सेना, कैस्केरा भी हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है। लेकिन लिक्वेरिस की बात करेंगे, लिक्वेरिस भैया यहां कैसे आया, यहां कैसे आया? चलिए बिल्कुल, यहाँ पे कैस्केरा नहीं बेटा, कैस्केरा होता है, कैस्केरा ग्लाइकोसाइड होता है, मुझे जहां तक पढ़ा है मैंने, कैस्केरा सेना रुबाब। अच्छा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करिएगा। नहीं 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 नहीं, लिक्वेरिस, लिक्वेरिस ग्लाइकोसाइड आएगा, लिक्वेरिस ग्लाइकोसाइड आएगा, कैस्केरा, कैस्केरा सेना रुबाब एलोय, कैस्केरा सेना रुबाब एलोय। सेपोनिन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिक्वेरिस भी हमारी सेपोनिन होती है, लिक्वेरिस भी सेपोनिन होती है, ये ग्लाइकोसाइड में आती है, ऑल आर ग्लाइकोसाइड, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, इसलिए मैंने बोला। लेकिन कैस्केरा की बात करेंगे ना, कैस्केरा में हमारा सबसे मिनिमम होता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे कंफ्यूजन ना लो, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ले लो, ऑल आर ग्लाइकोसाइड अभी यही ले लो, ठीक है, ऑल आर ग्लाइकोसाइड ये ठीक है। लेकिन कैस्केरा की अगर बात करते हैं तो ये देखिए, हमने सिंपल जितने ही बात किया, सेना, कैस्केरा, रुबाब, एलोय, ये हमारे क्या होते हैं एंथ्राक्विनोन में। अगर हम लिक्वेरिस की बात करते हैं तो ये हमारा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ सिकमिक एसिड पाथवे, सिकमिक एसिड पाथवे से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सिकमिक एसिड पाथवे से आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, जल्दी चलिएगा थोड़ा, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड ऑल ऑफ द अबव, जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी, अगर बात करते हो हमारा जो सिकमिक एसिड पाथवे होता है ना, देखिए जो हमारा सिकमिक एसिड पाथवे है या मेवलोनिक एसिड पाथवे है, इन दोनों का, इन दोनों का हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारे जो पाथवे होते हैं ना, सेकेंडरी एंटी मेटाबोलाइट बनाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। बात करते हैं, इसमें हमारे अमीनो एसिड यूज होते हैं, फिनाइल एलनिन भी यूज होता है, टायरोसिन भी यूज होता है, ट्रिप्टोफैन भी यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ऑफ द अबव का आंसर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, ऑल ऑफ द अबव का आंसर लगाते हैं, एकदम करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बोला फिनाइक एसिड हमारा यहाँ पे हो गया, हमारा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड हमारा बनता है तो फिनाइल एलनिन सारे यहाँ पे हमारे यूज होते हैं। एक बार ये स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़िएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मेवलोनिक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे किस चीज के लिए होता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल कंपाउंड, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एग्लाइकॉन पार्ट, बोथ ए एंड बी, चलिए जल्दी आंसर करिएगा। अगर आप बात करते हो सर लिक्वेरिस एल्कलॉइड है ना, नहीं बेटा सोनाली, लिक्वेरिस हमारा टर्पिनोइड सेपोनिन ग्लाइकोसाइड ही होता है बेटा। चलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया आपने, क्या दिया आपने, सी का ऑप्शन दिया, नहीं सी का ऑप्शन यहाँ पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप बात करते हो मेवलोनिक एसिड पाथवे तो उसका मेजर काम क्या होता है, जितने भी हमारे स्टेरॉयडल कंपाउंड होते हैं ना वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। अगर ए ग्लाइकॉन पार्ट की बात करेंगे तो ये सिकमिक एसिड पाथवे में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम होता है। When will the GTA exam? काव्या, हमेशा बेटा आपके 7th सेमेस्टर के लास्ट में होता है, 7th सेमेस्टर के लास्ट में जीपैट एग्जाम होता है। मेवलोनिक एसिड हमारा बनाता है क्या, आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट आईपीपी बनाता है, और फर्दर यही हमारा क्या करता है, टर्पीन्स और स्टेरॉइड की बायोसिंथेसिस कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनोसिटी एंड पीएच, पीएच एंड टोनोसिटी एडजस्ट करने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत बेसिक चीज है और आपको ये पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा, और ये बेसिक चीज है क्या, क्रायोस्कोपिक मेथड, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, व्हाइट विंसेंट मेथड, अरे वाह सोडियम क्लोराइड तो हमें एकदम से रटा हुआ है,
लेकिन अगर हमारे बात करते हैं तो हमारे दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है जहां पे हम यूज करते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड यूज करते हैं, व्हाइट विंसेंट मेथड यूज करते हैं, और टाइप टू होता है जहां पे हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो आंसर हमारा यहां पे क्या है, ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव का आंसर, बिल्कुल आपने सही निकाला, एकदम करेक्ट है बेटा। मैं कैसे आपको गलत बोल सकता हूं मेरे बच्चे, इतना तो आप लोग पढ़ने में आप पे भरोसा करके चल सकता हूं ना कि आप लोग सही आंसर दे रहे हो। बिल्कुल नहीं बहन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमने क्या बोला, क्लास वन हम बात करते हैं NaCl सम अदर सब्सटेंस इज एडेड टू द सॉल्यूशन अंडर द क्रायोस्कोपिक फेज एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मेक इट द प्रिपरेशन फाइनल वॉल्यूम आइसोटोनिक बफर, यहां पे हम प्रिपेयर करते हैं, ये हमारा होता है। हां जी हां जी, स्प्रॉल्स मेथड भी, स्पैरो मेथड नहीं होता है, स्प्रॉल्स मेथड होता है, वो भी हमारा यूज किया जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स इन लूज पाउडर, लूज पाउडर में जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है इज टर्मिनेटेड बाई लूज पाउडर में हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कैसे हमारा ब्रेक किया जाता है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किसमें है, ध्यान दीजिएगा, लूज पाउडर की बात हो रही है और फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है, तो यहां पे हम कैसे, वो क्या अफेक्ट करेगा, वो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब उसका फ्लो क्या होगा, उसका फ्लो बहुत स्लो 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 होगा। फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा, स्पीड स्लो, और स्पीड स्लो यानी पाउडर फ्लो लो। पाउडर फ्लो को कैसे मेजर करेंगे, कार इंडेक्स होता है हमारा, दूसरा यहां पे आता है एंगल ऑफ रिपोज आता है, लूज बल्क डेंसिटी, पैक बल्क डेंसिटी ये मेजर नहीं करेंगे, ग्रेन्यूल डेंसिटी भी मेजर नहीं करेंगे। आंसर क्या है, एंगल ऑफ रिपोज मेजर करेंगे। क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज मेजर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हां जी चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से देखें। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज मेजर करने के लिए, हम किस लिए करते हैं, जो हमारा सरफेस है वो सरफेस फ्लैट है, फ्लो अच्छा है, इसके लिए मेजर करते हैं। ये रेंज हमेशा याद रखिएगा, इन रेंज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, हॉशनर रेशियो भी यूज करते हैं। हाँ जी, फ्लो मेजरबिलिटी बाय द एंगल ऑफ रिपोज, एंड सेकेंड वन हमारा होता है कौन सा, सेकेंड वन हमारा होता है कार इंडेक्स होता है, और तीसरा हमारा हॉशनर रेशियो होता है। बिल्कुल ठीक आपने बोला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द कंपोजिशन ऑफ बायोलिबिलिटी, द कंपैरिजन ऑफ बायोलिबिलिटी बिटवीन टू ड्रग फॉर्म, दो ड्रग के बीच में जब बायोलिबिलिटी कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंस, बायोलिबिलिटी, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस। देखिए दो ड्रग के बीच में, मेरी बात समझिएगा, जब दो ड्रग के बीच में आपको करना कब होगा, खास तौर पर अगर हम क्या बना रहे हैं बेटा, अगर हम बना रहे हैं कौन सी जेनेरिक ड्रग बना रहे हैं, और जेनेरिक ड्रग केस में ही हम बायोइक्विवेलेंस टेस्ट करते हैं, और जेनेरिक ड्रग ही हमारा दो ड्रग के बीच में हमारी टेस्टिंग की जाती है, तो आंसर क्या हुआ, बायोइक्विवेलेंस विमेल। नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, यहां पे हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स नहीं होगा, बायोलिबिलिटी दूसरा चीज होता है, ये हमारा बायोइक्विवेलेंस। बायोलिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे हम पेटेंट वाली ड्रग में, और बायोइक्विवेलेंस स्टडी करेंगे हम किसमें, क्योंकि बायोइक्विवेलेंस जेनेरिक ड्रग में क्लिनिकल ट्रायल स्टडी नहीं होती, क्या होती है, बायोइक्विवेलेंस स्टडी होती है। हां जी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलिए, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। द इंक्रीज इन हेपेटिक एंजाइम एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन ग्रेटर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ठीक है, क्या बोला गया, द इंक्रीज इन हेपेटिक एंजाइम एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन ग्रेटर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, अगर आपके हेपेटिक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, हेपेटिक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, ANDA फॉर्म, जी हाँ, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल किया जाता है, शेड्यूल W की ड्रग है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर API सेम बट एक्सीपिएंट चेंज तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड जगरूप। व्हेन NDA फेल्ड फॉर जेनेरिक ड्रग दैट बाय इक्विवेलेंस मस्ट बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि मैं नाइपर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो सारी जाएगी। देखिए हमने क्या बोला कि अगर हिपेटिक एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, बायोलिबिलिटी, इलिमिनेशन, एंजाइम इंडक्शन। अरे भाई, एंजाइम आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना, क्या हुआ है, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ है बेटा, एंजाइम इंड्यूस हुआ है, GPRS सेल फोन याद रखिएगा, एंजाइम इंडक्शन की बात हो रही है, हमारा एंजाइम इंड्यूस होगा
तभी तो हिपैटिक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी ना। तो यही तो हमारा, अगर हिपैटिक एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यही तो आंसर ढूंढ के हमको लाएगा एंजाइम। चलिए, इंक्रीज इन द रेट ऑफ हिपैटिक एंजाइम, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, SBI फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स ज्वाइन कैसे करें? तानिया, जस्ट डाउनलोड द GDC क्लासेस ऐप, वहां स्टोर में जाएंगे, आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज शेड्यूल एच ड्रग? अरे वाह बेटा, जल्दी बताइएगा शेड्यूल एच ड्रग क्या है? बट इलिमिनेशन भी बढ़ेगा ना, इलिमिनेशन बढ़ेगा वो, लेकिन बात की बात है, पूछा क्या गया? पूछा गया कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी तो एंजाइम क्या कहलाएगा, एंजाइम इंडक्शन, ये पूछा गया था रश्मि। ऐसे क्वेश्चन तो बन रहे हैं सारे सर। हाँ तो बेटा रश्मि, जीपैट में, सॉरी नाइपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी मत उठाइए, अभी आप जीपैट पे देखिए, जब इसकी बारी आएगी तब इसकी तैयारी करेंगे। शेड्यूल एच ड्रग अगर हम बात करते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ड्रग, नहीं ये हमारी सी ड्रग में आएगी, नन ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन ही नहीं, आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। हाँ जी, शेड्यूल एच हमारी क्या होंगी, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग कहलाती है, बहुत बढ़िया, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग कहलाएंगी। हाँ जी, शेड्यूल की बात किया इसीलिए कहते हैं नाम लिया और शैतान हाजिर, यही पे हमारा आ गया, शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मींस द ड्रग विच शुड बी सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ओनली बाय द RMP, जब शेड्यूल हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी हम करेंगे। बैक वाले क्यों नहीं दे सकते सिवम? बिल्कुल दे सकते हैं, बस ये है कि आपको जब काउंसलिंग में जाओगे तब तक आपका रिजल्ट क्वालिफाई होना चाहिए, वो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, पहले लगी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे ऐसे बच्चे हुए हैं कि जिन्होंने अपने शुरू के 3 साल में उनकी 8 बैके थी, 3 साल में 8 सब्जेक्ट की बैक थी, लेकिन आपको बताऊंगा तो बेटा आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे, बट द स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड जीपैट नाइपर एंड जीपैट रैंक वॉज द 53 रैंक क्वालिफाई किया था, उसका हार्ड वर्क और डेडिकेशन आज भी मैं एडमायर करता हूं, अंशुल नाम का हमारा स्टूडेंट था और मैं उसकी डेडिकेशन को आज भी मेजर करता हूं, वाह क्या बंदा था यार, मेहनत, जिस दिन ज्वाइन किया था उसने एक ही चीज बोला था, सर मुझे कुछ नहीं आता है, मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे जीपैट क्वालिफाई कराइएगा, एंड फाइनली ही हैव डिड दैट। तो मुझे ऐसे बच्चों की हमेशा हेल्प अच्छा लगता है करने में। चलिए, व्हाट रिएक्शन फॉर्म अ सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया, व्हाट रिएक्शन फॉर्म्स अ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनाया जाता है, क्या बनाया जाएगा, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप क्या पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं है बेटा, लेकिन अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। मान लीजिए सपोज आपका अगर ऐसा टाइप का रिएक्शन हो रहा है और इससे अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, इससे आपका साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम बनेगा, जहां तक नहीं यहीं तक डायल्स एल्डर रिएक्शन में ही हमारा साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन होगा। चलिए, विटिंग रिएक्शन की बात करेंगे, वो हमारा कीटोन्स एल्डिहाइड और इन सब के लिए होता है, लेकिन अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो वहां पे हमारा डायल्स एल्डर। चलिए, हां जी हां जी हां जी, चलिए जल्दी आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, विथ सबस्ट्रेट व्हेन सब्जेक्टेड टू ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विद द डाइमिथाइल सल्फाइड वुड गिव ओनली 1 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट है जो हमारा बनेगा और कैसे बनेगा, ओजोनोलाइसिस करके, डाइइंस एंड डियोनोफिल हमारा यूज होता है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोहित, कोई डेट बढ़ेगी नहीं बेटा, फाइनल है, 3 जुलाई को ही एग्जाम होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहने क्या मोटो है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग आंसर देंगे, केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। विथ सब्जेक्ट विथ सबस्ट्रेट व्हेन सब्जेक्टेड टू ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद द डाइमिथाइल सल्फाइड वुड गिव ओनली 1 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, 1 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट आपका देगा।
बिना केमिस्ट्री के कंफ्यूजन, चलिए कंफ्यूजन हुआ कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हुआ यहां पे मैं बात करता हूं 4-octane की, क्या 4-octane की बात हो रही है, 4-octane की बात हो रही है, ये हमारा क्या होता है सिमेट्रिकल इन होता है, सिमेट्रिकल इन होता है, डाई इन होता है, ठीक है। इसको एक बार रिएक्शन थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा बेटा, ये रिएक्शन मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही है, ठीक है, इसको मैं बाद में पढ़ेंगे तब हम आपको बताऊंगा, मैं इसको शायद बनाया नहीं हूं तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कोई बात नहीं बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिएगा, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑर्गेनिक केमिस्ट रिएक्ट 1 mole ऑफ द 4-octane, 4-octane को रिएक्ट कराया गया किसके साथ में, एक्सेस ऑफ द O3, ओके यहां पे यूज किया गया, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट यहां क्या कहलाएगा, चलिए जल्दी से याद करिएगा, अभी हमने बात किया यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली ये क्या है भैया, ओजोनोलाइसिस ही तो हो रहा है, ओजोनोलाइसिस ही हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए, 2 moles ऑफ ब्यूटल, 2 moles ऑफ ऑक्टेनॉल, ब्यूटेनॉल होगा, ब्यूटल, अच्छा ठीक है, ऑक्टेन नन ऑफ द अबव, लग रहा है आप लोग मुझे अब केमिस्ट्री भी पढ़वाने पे मजबूर कर दोगे यार, केमिस्ट्री भी मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से, हां जी चलिए देखिए यहां पे हम बात करेंगे, जब आपसे क्या किया गया, क्या 4 mole ऑफ द 4-octane, 4-octane को ओजोनोलाइसिस की जाएगी तो आपका क्या बनेगा, 2 moles ऑफ ब्यूटॉल बनेगा, क्या बनेगा 2 moles ऑफ द ब्यूटॉल बनेगा, ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन होता है, मतलब एल्कीन क्या है, जब हमारा एल्कीन और ओजोनोलाइसिस होगा तो ब्यूटेनॉल बनेगा, ये हमारा पॉइंट होता है इस रिएक्शन को, उसी से रिलेटेड है, उसी साथ में इसको मैच करिएगा आंसर आपको मिलेगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन सिंगल कीटोन प्रोडक्ट, सिंगल कीटोन प्रोडक्ट फॉलोइंग बाय द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के थ्रू अगर हम बात करते हैं, चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, एक आपने टॉटोमेराइजम की नाम सुना होगा, ऑक्ट तो 2-butene, हां जी ऑक्ट है तो 2-butene, बिल्कुल 4 carbon होगा, 2 product बनेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, टॉटोमेरिज्म में आपने क्या पढ़ा है, टॉटोमेरिज्म में आपने एक चीज पढ़ा होगा इनॉल, इनॉल पढ़ा होगा ना, मतलब जब हम बात करते हैं कि हमारा कीटोन बॉडी हमारा कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा टॉटोमेरिज्म में हमने एक चीज पढ़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 3, 4, 5 कितने डिकाइन हमारे यहाँ पे यूज होती है, आंसर हमारा क्या है 5, बहुत बढ़िया सुदर्शन, हाँ जी यहाँ पे हम बात करेंगे 5 डिकाइन हमारा यहाँ पे यूज होता है, 5 पे हम बात करेंगे, एक चीज समझिएगा, हमने क्या बोला यहाँ पे हमारा पॉइंट आया, कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस 1 of the bond इन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज फॉर्म, ट्रिपल बॉन्ड रिमूव किया, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, इनॉल नेचुरली टर्न इनटू अ कीटोन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द, मतलब हमारा जो इनॉल है वो कीटोन में प्रेजेंट हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगा, यही टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस कहलाता है। हमने बोला ओनली 5 decane हमारा सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर आता है, इनॉल बनता है, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, Why does the reaction above require the use of Az2O? ठीक है, चलिए इस रिएक्शन में Az2O क्यों चाहिए, जल्दी से ध्यान दीजिएगा और अच्छे समझिएगा, Az2O की बात करेंगे, Az2O हमारा क्यों जरूरी होता है, अगर आप बात करते हो सिल्वर ऑक्साइड आपके यहाँ पे जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, तो ये क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा इनर्ट सॉल्वेंट। देखिए ऑक्सीडाइज से रिलेटेड आपके 2 questions तो वैसे ही हट गए, ये आपका ऑक्सीडाइज द एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड को आपको अगर आपको करेगा, यह आपके क्या करेगा एल्कोहल को, किसको ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, किसको करेगा, चलिए जल्दी आंसर करिएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये तो हमारा रिएजेंट के रूप में हमारा क्या करेगा अल्कोहल को, किसको ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, किसको करेगा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बन क्या रहा है ईथर बन रहा है, क्या बन रहा है ईथर बन रहा है, तो यहाँ पे इसका हमारा ऑक्सीडाइज करेगा और हमारा क्या बनाएगा ईथर बनाएगा, आंसर हमारा क्या हुआ
दैट इज द ऑक्सीडाइज द एल्कोहल टू फॉर्म द एल्कोक्साइड, यहाँ पे हमारा बन रहा है रिड्यू, और ये हमारा क्या करेगा ऑक्सीडाइज आयन करेगा, और ये क्या करेगा हमारा एक्शन करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। चलिए इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, बेटा केमिस्ट्री तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए इन पेपर क्रोमेटोग्राफी विच टाइप ऑफ मीडिया इज यूज्ड इन मोबाइल फेज। चलिए थोड़ा सा आ जाइए एनालिसिस की तरफ। अगर हम बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपने पढ़ा होगा एल्कोहल को करेगा, हाँ जी। अगर आप बात करते हो क्या पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, अगर बात करते हैं तो पेपर में क्या होता है जो हमारा सेलुलोज प्रेजेंट होता है, हमारे पेपर में क्या होता है सेलुलोज हमारा जो प्रेजेंट होता है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली आपकी क्या होती है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। क्या होती है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, पढ़ा है आपने ना, जी हाँ। तो यहाँ पे आपका मोबाइल फेज भी लिक्विड है और सॉलिड फेज भी लिक्विड है, तो क्या हुआ मोबाइल फेज पूछा गया है तो वैसे ही आपका लिक्विड हो गया, कोई डाउट है ही नहीं है। तो यहाँ पे बोथ, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ ए, दैट इज द लिक्विड, बिल्कुल ये हमारा लिक्विड में आएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं देखिए जैसे हमने बात किया पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगा, साथ में पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में अगर हम बात करते हैं लिक्विड लिक्विड हमारा यूज होता है, उसी का हमारा ये टाइप होता है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में बात करते हैं तो स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, लिक्विड हमारा मोबाइल फेज होता है, हाँ जी हाँ जी। चलिए विच टाइप ऑफ वेपर is stored in mercury lamp, mercury lamp में कौन सा हमारा vapor in, भाई mercury lamp की बात हो रही है, mercury lamp की बात हो रही है तो कौन सा vapor store करोगे जल्दी बताइएगा, चलिए जल्दी बताइए भाई, mercury lamp है तो mercury vapor ही store करोगे ना कि कुछ और करोगे, नहीं केवल और केवल आप यहाँ पे mercury vapor ही store करोगे, ये आपने mercury lamp पढ़ा होगा, mercury lamp में high pressure पे हमारा मरकरी स्टोर किया जाता है, मरकरी वेपर यहां पे किया जाता है, दैट इज द राइट आंसर मरकरी वेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेफ्लोमेट्री, नेफ्लोमेट्री टर्बिडिटी मेट्री आपने पढ़ा होगा ना, इसका प्रिंसिपल क्या होता है नेफ्लोमेट्री टर्बिडिटी मेट्री, टर्बिडिटी मेट्री हमारी किस पे फॉलो करती है लाइट स्कैटरिंग पे, किस पे फॉलो करती है लाइट स्कैटरिंग पे फॉलो करती है, तो लाइट ट्रांसमिशन नहीं लाइट स्कैटरिंग पहला वाला, केवल और केवल किस पे ये हमारा स्कैटर्ड, क्योंकि नेफ्लोमेट्री की बात हो रही है तो लाइट स्कैटरिंग पे फॉलो करेगा, किस पे फॉलो करेगा लाइट स्कैटरिंग पे फॉलो करेगा। चलिए जल्दी से आ जाइए जल्दी से हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये तो ठीक हो गया हमारा लाइट स्कैटरिंग की बात हो गई, यहाँ पे हमारा क्या होता है इंसिडेंट लाइट हमारा क्या होती है स्कैटर्ड हो जाती है, कोई डाउट है नहीं, बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन। चलिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन आपने दो टाइप के रीजन पढ़े होंगे, एक हमारा क्या होता है फंडामेंटल रीजन होता है, फंडामेंटल रीजन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है चलिए फिंगरप्रिंट रीजन, फंक्शनल रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन दो हमारे होते हैं, फंक्शनल रीजन टर्बिडिटी मेट्री ट्रांसमिशन पे फॉलो करता है, बहुत बढ़िया हाँ जी हाँ जी। चलिए एक एक लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं नाइपर में बेटा, बिल्कुल। चलिए फंक्शनल रीजन की बात करते हैं तो फंक्शनल रीजन हमारा फॉलो करता है कहां से कहां तक, फंक्शनल रीजन हमारा फॉलो करता है 2 to 8 micrometer और 8 to 15 micrometer हमारा क्या होता है फिंगरप्रिंट रीजन होता है, आपसे फिंगरप्रिंट रीजन पूछा गया है तो क्या हुआ 8 to 15, हां जी 8 to 15 यहां पे हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए बिल्कुल मिले हाँ जी, आप अगर सेंटीमीटर इनवर्स में बताओगे तब 500 to 1500 में जाओगे वो दूसरे रेवन पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए हमने बोला क्या फंक्शनल रीजन 2 टू 8 एंड फिंगरप्रिंट रीजन 8 टू 15 में हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, सेंटीमीटर इनवर्स की बात करोगे तो हमारा 650 to 1500 एकदम ठीक है आपकी बात बेटा। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फोल्ड इन्वॉल्व होता है, क्रोमेटोग्राफी में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लंदन फोर्स इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एंड ऑल ऑफ द अबव, किसकी बात हो रही बेटा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी देखिए एक टाइप की तो हमारी होती नहीं है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी हमारी अलग अलग टाइप की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होती है उसमें, लंदन फोर्स भी इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं तो ऑल ऑफ द अबव का राइट आंसर बिल्कुल यहां पे आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है हाँ जी भूपेश, जीपैट और नाइपर में फार्मा सेम ही रहता है बेटा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए हमने क्या बोला, अब अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी फोर्स हमारा ये अप्लाई किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करते हैं। Which type of ring is present in the melphalan? चलिए थोड़ा सा फार्माकोलॉजी की तरफ भी मूव कर लेते हैं भाई, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। चलिए melphalan की बात करते हैं,
ये तो केमिस्ट्री आ गया, लो भैया मेलफेलैन की बात करते हैं। मेलफेलैन हमारा क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट, और खासतौर पर बात करते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट होता है। इसमें रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, इसमें रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है, मेलफेलैन का स्ट्रक्चर आपने जरूर पढ़ा होगा, मेलफेलैन का स्ट्रक्चर आपने जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग बीच में देखने को मिलती है। आंसर यहाँ पे आप चलिए आंसर करिएगा कौन सी रिंग यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। चलिए वेरी गुड भैया, हमको तो बेंजीन रिंग ही याद आ रही है, आपको कोई और रिंग याद आ रही हो तो बता दीजिएगा। इंडोल रिंग, बेंजीन रिंग, साइक्लोएल्केन रिंग, फिनाइल रिंग। अच्छा सॉरी, हाँ मेरी बात पे मत जाइएगा, प्लीज मेरी बात पे मत जाइएगा, आप अपना आंसर दीजिएगा, मेरी बात गलत हो सकती है, मेरी बात मैं खुद काट सकता हूं। फिनाइल एलेनिन, नाम में ही फिनाइल है। अच्छा जी, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन नाम में ही फिनाइल एलनिन है, लास्ट जीडीसी लाइव वाली जो मैंने बताया था। हां जी बिल्कुल बात ठीक है आपकी, यहां पे हमारा फिनाइल, फिनाइल एंड एलेनिन ये हमारा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे फिनाइल रिंग, एक्चुअली फिनाइल एलेनिन मतलब इसलिए हम बोलते हैं, जब आप इसके रिंग की बात करते हो, मेरी बात समझिएगा, जब आप इसके रिंग की बात करते हो तो आपको आपको यहाँ पे कुछ ऐसा रिंग देखने को मिलेगा। ये बेंजीन रिंग आपकी हो गई, और दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरी तरफ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है OH, ठीक है, CH3 ऐसे लगा रहता है आपका, यहाँ पे भी आपका OH लग जाता है। एक और आपको यहाँ पे बता दूं तो NH2, ये आपको रिंग मिलता है, ये आपको रिंग मिलता है। हाँ जी ऐसे ही पढ़ा था, नाम में ही है। चलिए हाँ जी, तो हमने क्या बात किया, देखिए ये हमारा रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, फिनाइल है। हाँ जी, तो हमारा क्या हुआ, फिनाइल एलेनिन रिंग हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए बहुत ज्यादा टाइम ना लेके स्ट्रक्चर, अच्छा ये लिखा तो है, N7 पोजीशन हमारा ग्वेनिन पे हमारा होता है, मेलफेलैन हमारा क्या होता है, फिनाइल एलेनिन रिंग में होता है। चलिए आगे आइए, द इंट्रैक्शन ऑफ द ट्रोपिन विद द ट्रोपिक एसिड प्रोड्यूस, ट्रोपिन एंड ट्रोपिन एंड ट्रोपिक फार्माको, चलिए ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सिंथेसिस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक ही तो है यार, इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग, इतना टाइम क्यों ले रहे हो, एट्रोपिन से ज्यादा कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, एट्रोपिन सिंथेसाइज्ड होगा। आप ट्रोपिन की बात करो, ट्रोपिक एसिड के मिलके बात करो, एस्टरिफिकेशन होने के बाद क्या बनाएंगे, एट्रोपिन बनाएंगे, एस्टर हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ट्रोपिन ट्रोपिक। हाँ जी चलिए, नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जाइलोमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन में हमारी कितनी रिंग प्रेजेंट होती है, जाइलोमेटाजोलिन में हमारी कितनी रिंग प्रेजेंट होती है, जल्दी से आंसर करिएगा। जाइलोमेटाजोलिन में एक रिंग होती है, दो रिंग होती है, तीन रिंग होती है, कितनी रिंग होती है। बहुत बढ़िया, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बेटा तब तक अब चैन नहीं आएगा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मुझे। चलिए बिल्कुल, जब तक लाइट गई रुकना नहीं चाहिए, हमारी प्रिपरेशन, हम क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा पहले आप लोगों के आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार रिकॉल करिएगा, अगर आप बात करते हो, मैं एंटी कैंसर की बात करता हूं, विच ड्रग, आप लोगों के आंसर आने चाहिए जब तक हमारा ऑन हो रहा है, विच ड्रग यूज्ड फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमारी कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, कम ऑन। बहुत बढ़िया बेटा, टैमोक्सिफेन, एकदम करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। टैमोक्सिफेन हमारा सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं हमारा लंग कैंसर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, लंग कैंसर में हमारी ड्रग कौन सी यूज होती है,
लंग कैंसर के लिए बेटा जल्दी बताइएगा। फ्लूसाइटोसिन साइक्लोफोसोमाइड, अलग अलग क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं मुझे। लंग कैंसर में एक ही ड्रग यूज होगी बेटा, 5-फ्लूसाइटोसिन विनक्रिस्टिन साइक्लोफोसोमाइड। एक बार रिकॉल जरूर करते रहिए, रिकॉल जरूर करते रहिए। चलिए हम बोले ज़ाइलोमेटाज़ोलिन में हमारी कितनी रिंग प्रेजेंट होती है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन में हमारी दो रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी रिंग प्रेजेंट होती है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन में हमारी, दो रिंग प्रेजेंट होती है। जी हाँ, अगर हम बात करें कितनी रिंग प्रेजेंट होती है, दो रिंग प्रेजेंट होती है। और लंग कैंसर के लिए बात करते हैं तो साइक्लोफोसोमाइड हाँ जी हमारा बिल्कुल यूज होता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। दो हमारा बिल्कुल यहाँ पे दो रिंग प्रेजेंट होती है। इसके स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पे शायद देना भूल गए, ठीक है। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन में हमारा एल्काइल बेंजीन हमारी ये होती है, तो एल्काइल बेंजीन में हमारा यहाँ पे दो रिंग आपको देखने को मिलेगी। कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए जल्दी आ जाइए, सार का मोटो क्या होता है, सार का मोटो क्या होता है, सार हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा सके, हम अपने ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या कर सके, बढ़ा सके, इसीलिए तो हम करते हैं ना। चलिए आ जाइए, यहां पे क्या करते हैं, स्टडी द, ओके क्वेश्चन ऑप्शन पे चले, द स्टडी ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप आर इंपॉर्टेंट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप, ड्रग की केमिकल रिएक्टिविटी के लिए, द स्टडी ऑफ द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, माफ कीजिएगा ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी हम सार से डिफाइन नहीं करते, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ड्रग दैट इंपॉर्टेंट टू इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, केमिकल स्टेबिलिटी नहीं, आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम इससे मेजर कर सकते हैं सार के थ्रू, तो राइट आंसर क्या हुआ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल सी आंसर करेक्ट है। तो हमने क्या बोला, अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोफोर कैन बी आइडेंटिफाइड, हम इससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इंट्रैक्शन बिलो आर पॉसिबल फॉर एन एल्कोहल, एल्कोहल में आपका कौन सा यहाँ पे रिएक्शन होता है, कम ऑन जल्दी करिएगा, एल्कोहल में कौन सा रिएक्शन होता है, जल्दी क्लियर करिएगा बेटा। अगर आप एल्कोहल की बात करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, वंडरवॉल इंट्रैक्शन ओनली, आयनिक बॉन्ड ओनली, वंडरवॉल फोर्स का यहाँ पे तो कोई खास रोल नहीं है, बोथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग, हाँ जी यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल का कोई भी प्रोडक्ट होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही, क्योंकि एच ग्रुप प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ में, और दूसरा हमारा क्या प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड भी यहाँ पे होगा, केमिकल चेंज भी होते हैं ना सर, केमिकल चेंज बी और सी दोनों लग रहा है, बी और सी नहीं बेटा, बी और सी दोनों नहीं होगा, यहाँ पे हमने क्या बोला, आयनिक बॉन्डिंग ओनली नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग दोनों यहाँ पे होगी, दैट इज द राइट आंसर, और यही हमारा क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग दोनों होती है एल्कोहल के केस की अगर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, मिनिमम एज फॉर द, चलिए अब थोड़ा सा, अब ये तो हमारा था फार्मा सेक्शन, 35 क्वेश्चन फार्मा सेक्शन, अब 15 क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, नॉन फार्मा रिलेटेड होंगे, जो जरूर आपके लिए आगे थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल अब आगे आ जाओ, हमने क्या बोला, मिनिमम एज फॉर द कोविड वैक्सीनेशन, वेरी गुड भावना, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो, 12 ईयर 18 ईयर 16 ईयर 20 ईयर मिनिमम एज, कोविड वैक्सीन आपको लगवाना है तो कितनी एज की जरूरत है, आप बोलोगे सर 18 साल चाहिए, ये देखो मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर 18 साल मिनिमम एज चाहिए, माफ कीजिएगा 18 साल राइट आंसर नहीं है, पहले करेक्ट कर दूं, 18 साल मिनिमम गवर्नमेंट ने कर रखा है, लेकिन अगर बात करते हैं जो हमारी टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग कितने साल तक के लिए हो गई है, 16 साल तक के लिए, कितने साल के लिए, 16 ईयर, हाँ जी 16 ईयर, भावना थोड़ा सा बात समझिएगा, नहीं 12 ईयर नहीं हुआ है, 16 ईयर ऊपर वाले हमारी वैक्सीन की टेस्टिंग अप्रूव्ड हो चुकी है, आंसर क्या हुआ 16 साल, हाँ जी 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, वही वाली कहानी है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि हमने क्या बोला। चलिए वेरी गुड, अभी 12 वाला हुआ नहीं है, अभी 12 वाला चल रहा है, 16 ईयर की बात रखिएगा। चलिए आ जाइए, फर्स्ट कोविड वैक्सीन ऑथराइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहली वैक्सीन, 12 हो गया है अब मानसी, 12 अभी टेस्टिंग फाइनल शायद नहीं हुई है, मे बी मुझे भी थोड़ा सा फिर इसको देखना पड़ेगा।
हां जी नाइपर में ऐसे आएंगे मिलिंद, बिल्कुल आएंगे। फर्स्ट कोविड वैक्सीन ऑथराइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहली वैक्सीन कौन सी लगाई गई, एक ही लगाई गई फाइजर की, कौन सी, मॉडर्ना, फाइजर मॉडर्ना सबसे पहली हमारी यहाँ पे लगाई गई वैक्सीन कौन सी है, फाइजर वैक्सीन यहाँ पे लगाई गई। माफ कीजिएगा ये 18 ईयर यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे मुझे कोविशील्ड या कोवैक्सीन आना था, ठीक है। तो फाइजर की हमारी सबसे पहली वैक्सीन यूएसए में ऑथोराइज की गई थी, फाइजर वैक्सीन हमारी सबसे पहले यहाँ पे ऑथोराइज की जाने वाली, इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथोराइजेशन मिला था। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज इन लंग्स ऑफ अ कोविड पेशेंट, एक कोविड पेशेंट है उसके लंग्स में पैथोफिजियोलॉजिकल क्या चेंज होगा, इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, हाइपोक्सीमिया या इंटरस्टीशियल एडिमा, जल्दी बताइएगा बेटा क्या होगा, जल्दी बताइएगा क्या होगा। टेम्परेचर बहुत कोल्ड में रखते हैं, बायोएनटेक की भी तो फाइजर है ना मिलिंद, बायोएनटेक एंड फाइजर दोनों का मिलके हमारी BNT 162 आई है, ठीक है, वो अलग चीज है, मॉडिफाइड वायरल वेक्टर वैक्सीन। चलिए स्पुटनिक रसिया की है, आ जाइए इस क्वेश्चन में आ जाइए कि आपके सपोज कोई कोविड पेशेंट है उसके लंग में क्या होगा, उसके लंग में, हाँ जी बिल्कुल आपने सही बोला, सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हैं कि यहाँ पे आपको इंटरस्टीशियल एडिमा भी होगा, हाइपोक्सीमिया भी होगा और आपकी ब्रीदिंग कंडीशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ऑल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फॉर डायग्नोसिस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस 2 सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम, सैंपल कहां से कलेक्ट किया जाएगा, इसमें कुछ सोचना है क्या, शायद आप में से मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जरूर कभी ना कभी टेस्ट कराया होगा और टेस्ट कराने के बाद आपको वहां पे जरूर इंफॉर्मेशन हुआ होगा। चलिए हां जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं इन्फ्लामेशन होता है तो ब्रीदिंग इंक्रीज होती है, बिल्कुल ठीक है दीपक आपकी बात, वेरी गुड। हमने बोला क्या, नेजल स्वैब ही लिया होगा ना, इसको नेजोफेरेंजियल स्वैब बोलते हैं या ओरोफेरेंजियल भी लिया गया होगा, लेकिन अगर बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है क्या सर, वो अलग चीज है बेटा, नहीं चलिए आ जाइए, हमने ये बात किया नेजोफेरेंजियल स्वैब लेके उसको कलेक्ट किया जाता है, वो डिफरेंट हमारी। चलिए नोवेल कोरोना वायरस 2 इज किस टाइप का वायरस है, नॉन इन्वॉल्वड है या इन्वॉल्वड है, नॉन इन्वॉल्वड है या इन्वॉल्वड है, जल्दी बताइएगा। रवि जी धन्यवाद, अगर आपको आवाज पसंद आई तो, आज आपको आवाज पूरी तरह आई तो, ये माइक बदला गया है बेटा, बिल्कुल बदला गया है, क्योंकि हमने क्या बोला कि प्रिपरेशन में कोई भी बाउंडेशन, कोई भी लिमिटेशन बाउंड नहीं आनी चाहिए, आपका एक ही मेरे लिए टारगेट बना हुआ है कि ये इन्वर्टर को बढ़वाना है, क्योंकि ये इन्वर्टर प्रॉपर लोड नहीं ले पा रहा है तो और बड़ा करना पड़ेगा और वो कल परसों में आपको हो जाएगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, अभी सबसे ज्यादा जरूरी टाइम का है। नोवेल कोरोना वायरस 2 क्या होता है, नॉन इन्वॉल्वड या इन्वॉल्वड, आंसर है क्या होता है, इन्वॉल्वड वायरस होता है। मेरे नाइपर वाले बच्चों जल्दी आंसर करिएगा, नाइपर वाले बच्चों ये आप लोगों को जो पढ़ाया हुआ चीज है ना वो मैं बिल्कुल चाहूंगा, क्या होता है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, जीनोमिक प्रोटीन होती है, सारी चीजें हमारी क्या होती है, इन्वॉल्वड होती है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी क्राउन लाइक स्ट्रक्चर से नाम दिया गया क्या, कोरोना वायरस, क्राउन स्ट्रक्चर होता है इसलिए नाम दिया गया कोरोना वायरस। आइडेंटिफाई द रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडी इन USFDA फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग। चलिए जैसा हमारे यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट में तो हमारा कौन सी यूज होती है, यूनाइटेड स्टेट में हमारी यूज होती है USFDA, वैसे ही कौन सी हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग जो है अप्रूवल देती है, चलिए जल्दी आंसर करिएगा। डी ओके CDER, जल्दी से बताइएगा बेटा CDER कहां की है, जल्दी से ये भी बताइएगा, पढ़ाया हुआ सारी चीजें हैं। चलिए यहाँ पे आंसर में एक होगा लेकिन आपको पहले कंफर्म कर लीजिएगा, चलिए एक बार थोड़ा सा ये मुझे ऑप्शन थोड़ा सा एक बार देखने पड़ेंगे, लेकिन आप ये बॉडी जरूर याद रखिएगा, USFDA हमारा अप्रूव देता है अमेरिका में, यूरोप हमारे यूरोप में कौन सी अथॉरिटी बॉडी है,
EMEA, the European Agency for the Evaluation of the Medicinal Product. जापान की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेवल वेलफेयर यानी MHW, ये हमारी होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील में एनवीसा हमारी आती है, नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी। नाइजीरिया में कौन देता है, नेफडेक देता है यानी नेशनल एजेंसी ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। चाइना की बात करते हैं स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज द SFDA। इंडिया में हमारा CDSCO अप्रूव करता है। युगांडा की बात करते हैं तो युगांडा में हमारा UNSCST लगता है यानी युगांडा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनली बात करते हैं तो WHO एंड ICH हमारा रोल प्ले करती हैं। हां जी चलिए बिल्कुल नाइपर वालों आपसे उम्मीद ऐसा नहीं है बेटा, जो चीजें पढ़ी हुई है वो आंसर आना चाहिए। कमॉन USFDA अप्रूव ड्रग यूज टू ट्रीट इपिथेलॉयड सार्कोमा। 2020 में हमारी इपिथेलॉयड सार्कोमा के लिए कौन सी ड्रग अप्रूव हुई है, जल्दी आंसर करिएगा। DCGI ब्रिजेस, DCGI हमारा CDSCO के अंतर्गत ही काम करता है। CDSCO मेजर है और उसके अंदर हमारी ये काम करती है। चलिए बहुत बढ़िया दीपक गिरिजा, गुड, अच्छा लगा। 2020 की बात हो रही है। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। मेरी बात समझो, अगर आप बात करते हो इपिथेलॉयड सार्कोमा, इपिथीलियल सार्कोमा के लिए 2020 में हमारी टेजेवेरिक ड्रग प्रूव्ड की गई थी। इस टेजेवेरिक ड्रग का कंपोजिशन क्या था, टेजेमेटोस्टेट था, और ये ड्रग हमारी किसने, कौन सी कंपनी ने दिया था इसको, इपिजाइम ने किया था। किसने किया था, इपिजाइम कंपनी ने टेजवेरिक बनाई जो इपिथीलियल सार्कोमा के लिए, और उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट यानी API क्या था, API हमारा टिज़मोस्टेट था। चलिए आ जाइए, देखिए हमने क्या बोला, इनको याद रखना है। टेजवेरिक की बात करें टेजोमेटोस्टेट और इपिजाइम कंपनी ने इपिथीलियल सार्कोमा के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन 2020 FDA अप्रूव्ड ड्रग टेपेजा। टेपेजा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, टेपेजा हमारी किस ड्रग के लिए की गई, चलिए जल्दी से आ जाइए। टेपेजा किस ड्रग, किस डिजीज के लिए की गई, कम ऑन। अरे आप आंसर देते चलिए, मैं बेटा फास्ट चलता रहूंगा, इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई इस क्वेश्चन में। सर ये लाइव टेस्ट चल रहा है, उसके लाइव प्रिपरेशन कहां से करना है। बेटा ये कर चुके होगे आप, 10 दिन आपको बचा है नाइपर का एग्जाम देने के लिए, अभी आप बोलो प्रिपरेशन करना कहां से है, ये सबसे बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। तो मेरे जो भी नए जीपैट वाले बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन मत पूछिएगा इस जनवरी में कि सर प्रिपरेशन करना कहां है। टेपेजा ड्रग की बात करें तो FDA अप्रूव की हमारी अगर बात करते हैं तो ये हमारी किसके लिए, थायराइड आई डिजीज के लिए की गई। किसके लिए की गई, थायराइड आई डिजीज के लिए। और कौन सी ड्रग, हॉरिजॉन थेरेपेटिक्स, कंपनी का नाम है हॉरिजॉन थेरेपेटिक्स ने इस ड्रग को लॉन्च किया था। किसके लिए, आई डिजीज के लिए किया था। चलिए टेपेजा, हां जी चलिए बिल्कुल आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 44, इन 2020 FDA अप्रूव ड्रग इवरिसडी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी व्हाट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, चलिए जल्दी से याद रखिएगा, जल्दी से याद करिएगा। भूपेश स्लो चलो सर, चलिए बेटा बहुत स्लो चलूंगा तो ज्यादा ही टाइम हो जाएगा। चलिए बेटा सुप्रिया यहां पे आंसर करिएगा, माफ कीजिएगा गलत आंसर था अगर जो आपने दिया है, जल्दी से आंसर करिएगा। मानसी गिरिजा कहां गए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिएगा, पढ़ाई हुई चीजें हैं, सब कुछ दिया हुआ है, अगर उसके बाद आंसर नहीं मिलता तो फिर से देखना पड़ेगा एक बार आप लोगों को। अगर बात करते हो किस चीज के लिए, हमारी ड्रग का नाम क्या है,
एवरीसीडी हमारी ड्रग का नाम है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए है। अगर बात करते हैं तो इसकी ड्रग का नाम क्या है, रिज़्डिप्लाम है, रिज़्डिप्लाम है। अगर ये कंपनी की बात करते हैं तो जेंटेक फार्मा ने इसको बनाया है। किसने बनाया है, जेंटेक फार्मा ने हमारा रिज़्डिप्लाम बनाया है। ये हमारी यहाँ पे आती है। चलिए बिल्कुल रिज़्डिप्लाम की बात हो रही है। हाँ जी जी हाँ, ये हमारी रिज़्डिप्लाम जेंटेक ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए हमारी ये ड्रग बनाई गई। चलिए USFDA अप्रूव्ड ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हेड लाइस इन 2020। हेड लाइस ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग बनाई गई, मैं आपको पहले बता दूं, ये डॉक्टर रेड्डी की ड्रग है। बहुत इसकी बात हुई थी, बहुत फेमस हुई थी। अगर आप बात कर रहे हो हेड स्लाइस के लिए, हेड लाइस के लिए हमारी ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था। चलिए जल्दी आ जाइए। नहीं, यहां पे हम बात करते हैं जेगलाइज। क्या बात करते हैं, जेगलाइज हमारी ड्रग है जो हेड स्लाइस के लिए प्रोड्यूस की गई। और कौन सी कंपनी ने बनाया, डॉक्टर रेड्डी ने बनाया। किसने बनाया, डॉक्टर रेड्डी ने हमारा बनाया, जेगलाइज बनाया। चलिए आगे बढ़िए, एक बार ये देखना पड़ेगा लिस्ट, उसके बाद ये आंसर आएंगे। इतना ईजी नहीं है बेटा इन आंसर को कर पाना। फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। चलिए थोड़ा सा आपको बेसिक में लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। पहली ट्रेन कब इंडिया में चलाई गई थी और कहां चलाई गई थी, फर्स्ट ट्रेन कब लॉन्च की गई और कहां पे चलाई गई। बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट ट्रेन जस्ट फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के पहले बनाई चलाई गई थी। यानी हम बात करते हैं 1853 में हमारी चलाई गई थी बॉम्बे और थाने के बीच में। आज का जो बॉम्बे है, पहले उसको बोरी बंदर बोलते थे। क्या बोलते थे, बोरी बंदर बोलते थे। बोरी बंदर हमारा बॉम्बे बना है, ठीक है। तो बोरी बंदर, बॉम्बे में बोरी बंदर से लेके, हाँ जी, मुंबई टू थाने के बीच में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1853 में बोरी बंदर टू थाने चलाई गई थी। एकदम करेक्ट आंसर है। पहली ट्रेन ये इस टाइप की ट्रेन चली थी, ठीक है। और ये ट्रेन हमारी कहां चली थी, 1853 में 14 कैरिंग ट्रेन वहां पे हेल्ड की गई थी, स्टीम या लोकोमोटिव बनाया गया था। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, गुजरात टू बॉम्बे, नहीं सौरभ, गुजरात टू बॉम्बे नहीं चली थी, पहली तो हमारी लोकल ही चली थी मुंबई से थाने के बीच में। चलिए, हाँ जी डलहौजी ने, चलिए आ जाइए, यहां आ जाइए। ओल्डेस्ट पोर्ट कहां पे है मेरे कोलकाता वाले बच्चों, खुश हो जाओ, याद रखिएगा, कोलकाता में। जी हाँ, कोलकाता में ओल्डेस्ट पोर्ट हमारा अवेलेबल है। सबसे पहला पोर्ट कहां पे बनाया गया था, कोलकाता पोर्ट को सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कहा जाता है। चलिए आंसर हमारा क्या हुआ, कोलकाता। मुंबई पोर्ट भी है, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता, विशाखापट्टनम, हाँ जी सारे पोर्ट हैं। डांसिंग स्क्वायर, सर आप पूरा दिन पढ़ाते हो, मैं नहीं बता सकता, मेरे बच्चे बता सकते हैं कि मैं कितना पढ़ाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। भारत निर्माण स्कीम किससे रिलेटेड है, जल्दी बताइएगा, भारत निर्माण, कालीकट बंदर। चलिए वेरी गुड, हां जी कालीकट बंदर के नाम से यह होता था। चलिए आ जाइए, भारत निर्माण स्कीम किससे रिलेटेड है, भैया भारत का निर्माण होगा तो किससे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। भारत का निर्माण होगा तो बिल्डिंग बनने से होगा, हमारे यहाँ पे नए नए हमारे 5-स्टार होटल बनेंगे, हमारी ढेर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, तभी भारत निर्माण होगा। तो किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वो बात अलग है कि इस कोविड ने सारा धराशायी कर दिया, ठीक है, कि आपको बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट सुकून शांति चाहिए, और आपको बस इतना चाहिए कि हेल्दी खाइए, हेल्थी रहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी लिक्वेरिस सपोनिन है, महेश अभी आप वहीं पे हैं क्या, आगे आ जाओ बेटा। ये भारत निर्माण फाउंडेशन ये बनाया गया, ये हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ये डेवलप किया गया। चलिए श्याम सिंह वेलकम, फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। Where was the electricity supply first introduced in India? पहली बार कहां पे लाइट आई थी, पहली बार कहां पे लाइट आई थी, कहां पे जगमग रोशन हुआ था,
चलिए आ जाइए, क्या आंसर मिला, क्या आंसर मिला? अरे वाह बिल्कुल, अरे वाह, हां जी बिल्कुल, कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता में सबसे पहली लाइट आई थी, कलकत्ता बहुत ज्यादा काला था, अंधेरा था, वहां लाइट चाहिए थी, सबसे पहली बार लाइट आ गई। कुछ ऐसा याद रखने के लिए बोला, प्लीज कोई भी दिल पे मत लीजिएगा, आप बोलो सर कलकत्ता को काला बोल रहे हो, ना जी ना, मेरा फेवरेट सिटी में से एक है कलकत्ता, कोलकाता आज की डेट में बोलू तो, जी हाँ आई लव कोलकाता, मुझे बहुत अच्छा सिटी वो लगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन टुडे सीरीज, लास्ट क्वेश्चन जल्दी क्लियर करिएगा। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ, चंबल रिवर कहां पे बहती है, चंबल रिवर कहां का पार्ट है? ना 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 गिरिजा, कलकत्ता में रसगुल्ला नहीं चलता है, रसोगुल्ला चलता है, तो हां जी आई लव रसोगुल्ला बहुत ज्यादा। नर्मदा, ठीक है बहुत बढ़िया, नर्मदा, साबरमती, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, किसके पार्ट में हमारी ये गंगा चंबल रिवर आती है? आंसर है, आंसर है नर्मदा, नर्मदा चंबल, चंबल नर्मदा बेसिन में हमारी चंबल, नर्मदा रीजन में हमारी चंबल नदी आती है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर नर्मदा रीजन, जल्दी से ये क्लियर कर लीजिएगा, कौन सा हमारा बेसिन किस में आई और उसमें हमारी नदी कौन सी होती है, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, जो हमने बोला वही हमने नहीं डाला, बाकी सब तो ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हम बात करते हैं रिवर, हमारी कौन सी रिवर कहाँ पे, चंबल की बात करते हैं, चंबल यही हमारे नर्मदा रीजन में हमारी चंबल में हमारी आती है, जी हाँ। चलिए सर क्लास थोड़ी जल्दी नहीं हो सकती, चलिए ब्रिजेश आप ही मुझे बताइएगा बेटा मैं क्लास कब ले लूं, चंबल की घाटी नर्मदा किनारे, हां जी रसोगुल्ला, हां जी अब सही बोला संकदीप, हां जी रसोगुल्ला। चलिए आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और शायद जो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का वो हम जरूर कर पाएंगे और इन सारी चीजों को जरूर हम क्लियर कर पाएंगे। चलिए उज्ज्वल, थैंक यू, थैंक यू, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कल फिर हम मिलते हैं नाइपर के लिए 10 बजे, कल हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताइए, जो जीपैट वाले बच्चे यहाँ पे नहीं, मैं सिर्फ नाइपर वाले बच्चों से बात करना चाहता हूं, नाइपर जो भी प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पे, डू यू थिंक दिस क्वेश्चन सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको अच्छे लगे, यहाँ पे आपको लगा कि हाँ हमारी चीजें मेंटेन रहेंगी? चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे, कल मिलते हैं नए जोश, नए एनर्जी, नए मोटिवेशन एंड डेडिकेशन लेवल के साथ, कल हम मिलते हैं और फर्दर आगे की हम बात करते हैं, ओके चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एप्टीट्यूड वीडियो अब इसमें नहीं आएगा बेटा, एप्टीट्यूड वीडियो बेटा फिर आगे आएगा बच्चे, चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।